और इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो है हमारे स्टेटिस्टिकल टेस्ट के अंदर अनोवा क्या होता है एनालिसिस ऑफ वेरियंस क्या होता है और किस लिए हम इसे यूज़ करते हैं स्क्रीन आपके सामने हाजिर है इसके अंदर आपके सामने ये मैंने अनोवा की एक शीट बनाई है और इसको मैं सारे के सारे कोड को आपको अवेलेबल करवा दूंगा सो डोंट वरी अबाउट दैट ये कोड आपके पास आ जाएगा गिठअप की प्रोफाइल के ऊपर सो so आपने जो मेन चीज़ देखनी है इसके अंदर वो ये है कि अनोवा होता क्या है अनोवा इज़ ए स्टेटिस्टिकल टेस्ट दैट स्टैंड फॉर एनालिसिस ऑफ वेरियंस ठीक है एनालिसिस ऑफ वेरियंस इसे बोलते हैं और अनोवा की जो कई डिफरेंट टाइप्स हैं लेकिन ये कब बना था कैसे बना था स्टेटिस्टिस Statistic, स्टेटिस्टिशियन uh, थे एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जिन्होंने अनोवा को बनाया था रोनल्ड फिशर एंड द आइडिया बिहाइंड अनोवा वॉज टू कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सैम्पल्स ठीक है यानी कि आप दो या दो से दो से ज्यादा यानी कि तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप्स हैं उनको कंपेयर कर सकें अनोवा की एक्सटेंशन जो है वो टी टेस्ट अनोवा असल में टी टेस्ट और जी टेस्ट की एक्सटेंशन है यानी कि टी टेस्ट और जी टेस्ट होते हैं दो सैंपल के लिए और दो से ज़्यादा अगर सैंपल्स को आपने कंपेयर करना है तो आप अनोवा को यूज़ करते हैं ठीक है और टू ग्रुप्स से ज्यादा इन चीजों को हम देखते हैं द नल हाईपॉथसिस ऑफ अनोवा इज दैट देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स ठीक है और अगर आपके पास बिटवीन द ग्रुप्स अगर आपका नल हाईपॉथसिस नहीं सही होता तो अल्टरनेटिव हाई आपका ठीक होगा यानी कि दो से ज्यादा जो ग्रुप्स हैं हमारे पास जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर फर्क है नल ये कहता है कि कोई फर्क नहीं है अल्टरनेटिव कहेगा कि उनके अंदर फर्क है ठीक है अब ये टाइप्स इसकी तीन है वन वे अनोवा टू वे अनोवा एंड एन वे अनोवा जो मेन टाइप्स हैं हम वन वे अनोवा टू वे अनोवा और एन वे अनोवा इन तीनों को देखेंगे वन वे अनोवा क्या होता है ये यूज होता है टू कंपेयर टू और मोर ग्रुप्स ऑफ सैंपल्स अक्रॉस वन कॉन्टिन्यूस इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स को आप कंपेयर करते हैं एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अगेंस्ट ठीक है और इसको वन वे अनोवा भी बोला जाता है और टू वे अनोवा क्या होता है आप दो जो हैं मेनली दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स को अक्रॉस टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप कंपेयर करते हैं इसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप कंपेयर करते हैं इसमें टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप कंपेयर करते हैं एन या नोवा में मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप कंपेयर करते हैं ठीक है इसकी अजम्पन्स क्या हैं क्या दैंपल्स आर इंडिपेंडेंट यानी कि जो सैंपल आप लेते हैं वो इंडिपेंडेंट डेटा पे हों यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हों द सैंपल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और द वेरियंस ऑफ ईच ग्रुप इज इक्वल यही चीज हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट की भी एजम्पन है तो इस वजह से ये एजम्पन्स यहां पर भी फिट बैठती हैं जस्ट वन सेकेंड मैं यहां पर एक कर्सर जो है अपना उसकी हाईलाइट ऑन कर लूँ जस्ट कि मैं वन सेकेंड मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ यहाँ से और डाउनलोड नहीं डॉक्यूमेंट्स भी नहीं पीसी के अंदर नॉट हियर ख़ैर नेवर माइंड इसको बाद में देखते हैं। ओके okay, खैर तो ये हमारे पास इस तरीके से अनोवा जो है वो काम करता है अब वन वे अनोवा टू वे अनोवा और एन वे अनोवा को बारी बारी हम देखेंगे और इन तीनों को ऊपर जो है हम प्रैक्टिस भी करेंगे ठीक है सो स्टार्ट करते हैं मैं स्क्रीन आपके सामने लेके आता हूं दोबारा से और लेट्स कोड क्या कहता है इसमें जो वन वे अनोवा है इसका मुराद ये है कि जब भी आपने अनोवल लगाना है तो आप साई की लाइब्रेरी जो है इसे इंस्टॉल करेंगे जो इंस्टॉल करना है आपने तो यहाँ पे लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल साई इससे ये इंस्टॉल हो जाएगी अगर आप इसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते तो ये इन लाइन चलेगी यानी कि यहीं पे ये इंस्टॉल हो जाएगी यू डोंट नीड टू तो वरी अबाउट एनी क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की है मैं इसको नहीं रन करता अब यहाँ पर आप चेक करें हमारा एक कॉलम है जिसका नाम है फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर के ग्रुप पे फर्टिलाइजर वन फर्टिलाइजर टू एंड फर्टिलाइजर थ्री ठीक है सो फर्टिलाइजर वन टू एंड थ्री यानी कि एक हमारा कॉलम है फर्टिलाइजर का और वन टू एंड थ्री उसकी जो टाइप्स हैं और ये उसकी बेसिकली ग्रोथ ऑफ प्लांट है बेस्ड ऑन ईच फर्टिलाइजर ठीक है सो so, हम क्या कर रहे हैं सैंपल डेटा हमने लिया ग्रोथ ऑफ प्लांट्स विद थ्री टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स तो हम यहाँ पे क्या करेंगे थ्री टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स को देख रहे हैं बेस्ड ऑन उनकी प्लांट की ग्रोथ पे ठीक है तो ये जो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है ये ग्रोथ ऑफ प्लांट है फर्टिलाइजर वन के बाद क्या आई फर्टिलाइजर टू के बाद क्या आई फर्टिलाइजर थ्री के बाद क्या आई तो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ फर्टिलाइजर वन टू एंड थ्री हमारे पास एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है सो so हम क्या करते हैं इसी को उसी तरीके से हम लगाएंगे कि स्टैट को करके यहाँ पे एफ वन वे अनोवा फर्टिलाइजर वन फर्टिलाइजर टू एंड फर्टिलाइजर थ्री यहाँ पे हमने लिख दिया तो ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर की जा रही हैं ठीक है एक तो तरीका का ये है और हमारे पास अनोवा के बाद जो एफ स्टेटिस्टिक्स एंड पी वैल्यू आती है उसकी बेस पे हम रिजल्ट को इस तरीके से प्रिंट कर लेते हैं इसको जैसे हम रन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे आ जाएंगे जी पी वैल्यू आ गई हमारे पास एफ स्टेटिस्टिक का आ गया और नल हाइपोसिस आ गया क्योंकि मैंने कंडीशनल नल हाइपोथेसिस यहाँ पे बनाया हुआ है जो पिछले लेक्चर्स के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था सो नाउ यू कैन सी कि द मीन्स आर नॉट इक्वल एज पी वैल्यू इज लेस देन पॉइंट जीरो फाइव क्योंकि हमारी वैल्यू पी वैल्यू लेस देन पॉइंट जीरो फाइव आई है इसका मतलब ये हुआ कि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं यानी कि इन तीनों फर्टिलाइजर्स की आउटपुट में फ़र्क है ये तीन ग्रुप्स हमने कंपेयर किए एक दो और तीन और इन तीनों की आउटपुट में फर्क हमारे पास आ गया और इसी को हम वन वे अनोवा बोलते हैं यानी कि आपने एक वे में ही अनोवा लगाया वो क्या था प्लांट ग्रोथ और दूसरा फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर के अंदर तीन टाइप्स हैं अच्छा आप इसी डेटा सेट को एक कॉलम फर्टिलाइजर का बना सकते हैं और दूसरा आप बना सकते हैं प्लांट uh, ग्रोथ का भी बट इट डिपेंड्स कि क्या आप ऐसा करना चाहेंगे या आप सिंपली इस तरीके से कंपेयर करना चाहेंगे तो हम आने वाली एग्जाम्पल के अंदर जब मैं इसको रियल डेटा सेट पे भी लगा के आपको दिखाऊंगा तो, तो आपको ये वन वे अनोवा और भी क्लियर हो जाएगा सो so, सिंपली आपके पास ये रिजल्ट आ जाते हैं वन वे अनोवा के ठीक है और ये जितने भी कोड हैं आपको ऑलरेडी पता है कि गिठब की हमारी रेपोजिट्री वहाँ पर ऑलरेडी ये अवेलेबल है मैं आपको अभी उसका लिंक दे देता हूँ आप वहाँ पर जाके इन कोड्स को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और हमारे साथ साथ इन कोड्स को कॉपी करके भी देख सकते हैं मैं गिठब पर जाता हूँ जस्ट अ मिनट आपके पास जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा गेट का, जिसके ऊपर ये सारे कोड पड़े हुए हैं अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं तो ओके, सो ये आपके पास जी कोड है अभी यहां पे आ जाएंगे ठीक है ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया डिस्क्रिप्शन के लास्ट पे जाएं इसी वीडियो की तो आपको ये लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स का दिन चल रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टेटिस्टिक्स की नोटबुक्स यहाँ पे अपेयर हो जाएंगी ख़ास तौर पर अनोवा की ये जो है अनोवा मनोवा एंड को ये तीन चीज़ें आपके पास यहाँ पर अपेयर होंगी मैं इस नोटबुक पर काम कर रहा हूँ ठीक है ये आपके पास एज़ इट इज़ पड़ी हुई है तो हमारे पास वन वे अनोवा सिंपली इस तरीके से अप्लाई हो जाता है अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे एडवांस लेवल पे कि हम जो है टू वे अनोवा कैसे लगाएंगे टू वे अनोवा क्या होता है उसको पहले हम समझते हैं आपने बेहतरीन तरीके से एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है जिसका नाम है स्टैट्स मॉडल्स ये मैंने एक कोड भी दिया हुआ है स्टैट्स मॉडल्स के थ्रू हम लगाएंगे टू वे अनोवा ठीक है आप इसके थ्रू वन वे अनोवा भी लगा सकते हैं आप टू वे अनोवा भी लगा सकते हैं बट फर्स्ट हम देखेंगे वन वे अनोवा कैसे लगता है पिछला आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होगा तो आपको और भी समझ आ जाएगी हमने इंपोर्ट करनी है पांडास की लाइब्रेरी स्टैट्स मॉडल की ए पी आई डॉट एस एम स्टैट्स मॉडल्स एंड देन फ्रॉम स्टैट्स मॉडल फार्मूला डॉट ए पी आई हमने ओ एल एस को यहाँ पे ले आना है ठीक है तो हम ये तीन कोर्ड जो हैं इनको रन करते हैं मैं आपको बारी बारी समझाता हूँ ये हमारी लाइब्रेरीज इम्पोर्ट हो गई ठीक है जैसे ही लाइब्रेरीज इम्पोर्ट होंगी फिर हमने ये डेटा सेट बना लिया जो मैं पहले बात कर रहा था डेटा सेट बनाने की दिस इज़ समथिंग लाइक दिस डी एफ डॉट हेड ये है जी आपका डेटा सेट ठीक है अब आपके पास एक कॉन्टिन्यूस कॉलम है और एक आपके पास कौन सा है जनाब एक कैटेगोरिकल है ये वही चीज है जो पिछले लेक्चर के अंदर या पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा था लाइक दिस फर्टिलाइजर वन टू एंड थ्री ठीक है अब आप क्या कर रहे हैं इसी को आप एक डेटा फ्रेम में ले आए सो so, इसका मतलब है अगर आपके पास कोई भी डेटा इस फॉर्म के अंदर आता है ठीक है अगर कोई भी डेटा इस फॉर्म के अंदर आता है तो आप इस पर अनोवा लगा सकते हैं ख्वाह वो आपका डेटा टाइटेनिक का हो वो टिप्स का हो वो कोई भी हो जो हम करने भी वाले हैं सो so यहां पे आप चेक करें क्रिएट किया डेटा फ्रेम ये हमारे पास डेटा फ्रेम आ गया अब हमने आगे क्या करना है मॉडल को फिट करना है मॉडल कौन सा हमने लगाना है वो हम देखते हैं यहां पे फिट करते हैं हम मॉडल को अब वन वे अनोवा क्या होता है हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है ये वाला ठीक है और ये हम लगा रहे हैं एक टिल्डा का निशान इसको टिल्डा बोलते हैं टिल्डा, टी आई एल डी ए टिल्डा ये आपके पास जहां पे एक लिखा होता है ना उसकी लेफ्ट साइड पे होता है टैब के ऊपर ये की होती है यूएस कीबोर्ड में टिल्डा का निशान लगाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रोथ है इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं बेस्ड ऑन फर्टिलाइजर यहां पर यह फर्टिलाइजर है यानी कि ग्रोथ हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं फर्टिलाइजर पे ठीक है ग्रोथ क्या है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट ये डिपेंड कर रहा है फर्टिलाइजर पे फर्टिलाइजर है इंडिपेंडेंट तो हम डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट की बेस पे मॉडल करेंगे मॉडल क्या है कुछ नहीं है मॉडल का मतलब यह है कि आप वन वे अनोवा फिट कर रहे हैं सिंपली ठीक है तो ये वन वे अनोवा क्यों है क्योंकि ग्रोथ है यहां पे और इसकी राइट right साइड पे सिर्फ एक चीज है ठीक है इसकी राइट right साइड पे सिर्फ एक वेरिएबल है फर्टिलाइजर एक वेरिएबल है अगर यहां पे दो वेरिएबल होंगे तो ये टू वे अनोवा अगर यहां पे तीन वेरिएबल होंगे प्लस लगा के फॉर एग्जांपल मैं यहां पे वाटर भी लगा देता हूं प्लस सनलाइट भी लगा देता हूं तो ये मेरे पास तीन वेरिएबल हो गए ठीक है समझ आई बात की सो so, टू वे अनोवा होगा इन दोनों का थ्री वे अनोवा या एन वे अनोवा होगा जितने वेरिएबल आपके पास आएंगे सो दैट्स ओनली द थिंग जो टू वे और थ्री वे अनोवा की है बट फॉर नाउ हमने ये वाला मॉडल लगाया ओ के बाद डेटा जो हमने लिया वो डी एफ का लिया क्यों क्योंकि हमने इसको डीएफ में स्टोर कर लिया था फिर हमने कर दिया फिट तो ये हमारे पास मॉडल फिट हो गया ठीक है अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है हमने अनोवा टेबल लेके आना है क्योंकि मॉडल जब आपके पास फिट हो गया अगला स्टेप होगा अनोवा को बनाना और अनोवा को फिर यहां पे प्रिंट करना सो अनोवा टेबल कैसे बनेगा सिंपली आपने स्टैट्स मॉडल्स में से स्टैट्स लेके आना है फंक्शन और उसके आगे अनोवा लीनियर मॉडल आपने यहां पे ले आना। है। अच्छा, अब इसमें एक और साइंस भी है आप मॉडल लगा दें फिर टाइप टू रखें या वन रखें इट डिपेंड्स ऑन द इट डिपेंड्स ऑन आई विल शो यू अगर यहां पे आ जाए so, अगर आप वन रखते हैं या टू रखते हैं तो ये बेसिकली स्टैट्स मॉडल की लाइब्रेरी की मेन टाइप है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे अनोवा अंडरस्कोर एल रखता हूँ फिर वन वे भी आप लगा सकते हैं इट्स टोटली अप टू यू तो मैं यहाँ पे अगर एल एम लगा के मॉडल टाइप टू कर देता हूँ सो दिस इज ऑल्सो फाइन लेकिन अगर मैं यहाँ पे अनोवा अंडर स्कोर वन वे करता हूँ देन आई कैन ऑल्सो अप्लाई द सेम थिंग ठीक है हमारे पास सॉरी यहाँ पे वेट नहीं ओल एस हमने लगाया हुआ है तो यहाँ पे हम एल एम करेंगे और यहां पे टाइप टू कर देंगे राइट क्योंकि हमने ऑल ऑलरेडी ऊपर लगा दिया दिए तो यहां पे हम वन वे अनोवा नहीं यूज करने वाले सो so, खैर ये हमारे पास आ, बेसिकली वन वे अनोवा लग गया और वन वे अनोवा हमें क्या बताता है ये हमारे पास पी वैल्यू है ठीक है और इस पी वैल्यू की बेस पे हमें बताएगा कि क्या फर्टिलाइजर डालने से जो फर्टिलाइजर की तीन टाइप्स हैं इनमें कोई फर्क है फर्टिलाइजर की तीन टाइप्स कौन सी हैं अगर मैं यहां पे डी के अंदर फर्टिलाइजर की डॉट वैल्यू काउंट देखूं तो इट विल शो मी समथिंग लाइक दिस ये मेरे पास पाँच पाँच वैल्यूज की तीन टाइप्स हैं फर्टिलाइजर वन फर्टिलाइजर टू फर्टिलाइजर थ्री हमें ये चीज ये बता रही है कि पी वैल्यू अगर अल्फा से कम है यानी कि लेस देन पॉइंट जीरो फाइव है इसका मतलब है कि तीनों फर्टिलाइजर आपस में एक दूसरे से डिफरेंस पे हैं बेस्ड ऑन प्लांट ग्रोथ दिस इज कॉल्ड वन वे अनोवा सिंपली अब वन वे अनोवा स्टैट्स मॉडल के अंदर ये सारे का सारा मैंने यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाया एट द एंड आप क्या कर सकते हैं इसी पूरी एक मॉडल को आप पी वैल्यू की बेस पे इफ फैल्स कंडीशन यूज करके रन करेंगे तो ये आपको लिटरल जवाब लिख देगा कि आपकी पी वैल्यू क्योंकि कम है इस वजह से हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोसिस को जिसका मतलब है द मीन्स आर नॉट इक्वल किस चीज़ के मीन्स प्लांट ग्रोथ के कॉन्टिन्यूस वैल्यू के मीन्स इक्वल नहीं है बेस्ड ऑन द फर्टिलाइजर टाइप ठीक है यहां तक आपको क्लियर हो गया अब ये जो ओ है या स्टैट्स मॉडल है या अनोवा वन वे अनोवा या एल हम लगा रहे हैं ये बेसिकली स्टैट्स मॉडल की लाइब्रेरी के पार्ट्स हैं ठीक है जैसे फंक्शंस होते हैं ये ऑलरेडी सिचुएशंस जो है इन्होंने बना के इक्वेशंस को ऐड करके हमारे पास ये डिफरेंट किस्म की ए की बेस पे इन्होंने हमें मॉडल्स दिए हुए हैं ठीक है सो so, हम इस वजह से स्टैट्स मॉडल की लाइब्रेरी को जब यूज करते हैं तो मैं यूज करते हैं जब साईपाई क्यों करते हैं तो मैंने यहां पे आपको बताया कि सिंपली ये वाली एक कमांड लिखते हैं तो हमारे पास साइपाई लाइब्रेरी के फंक्शंस आ जाते हैं सो जस्ट टू कॉल दोज फंक्शन हम ये वाली चीजें जो हैं यहां पर लिखते हैं अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जैसे आप किसी फंक्शन को यहाँ पे हाईलाइट करेंगे तो उसका वेरिएबल का सॉरी uh, उसके फंक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आ जाएंगी जैसे मैंने ओ को हाईलाइट किया अब आपको नहीं पता ओ क्या है लेकिन ओ उन्होंने बताया है कि ये एक फंक्शन है जिसमें आपने फार्मूला देना है कोई भी डेटा देना है सबसेट देना है कुछ भी आप डालते जाएं ऐट दी एंड आपके पास आंसर आएगा और नीचे उन्होंने बताया फार्मूला क्या है डेटा क्या है सबसेट क्या है आप एरे लाइक -like चीज़ें कैसे डालते हैं ड्रॉप कॉलम कोई करना है नहीं करना ये सारा उस फंक्शन की डिटेल्स आ गई तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन हो कि ओ एल एस क्या है इसको हाईलाइट करें तो आपके पास जो है इसके रिलेटेड चीजें जो है यहां पर आ जाएंगी इसी तरीके से अगर मैं यहां पर ला लाके अपना अनोवा अंडर स्कोर एल एम के ऊपर लाता हूं तो ये भी मुझे बताएगा अनोवा टेबल फॉर वन और मोर फिटेड लीनियर मॉडल्स हमने ये वाला लीनियर मॉडल फिट कर लिया है इस वजह से हम एल एम लगा रहे हैं ठीक है समझ आ गई बात की सो एल एम क्यू लगा रहे हैं ये वाले मॉडल को लीनियर मॉडल को जो हमने फिट किया है ग्रोथ का ऑन फर्टिलाइजर हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं ठीक है जी ये हो गया वन वे अनोवा अब वन वे अनोवा का सारा कोड जो ये आपके पास पड़ा हुआ है अब हम चलते हैं टू वे इनोवा पे कोई फर्क नहीं है सेम वही चीज है मैंने फर्टिलाइजर के साथ साथ सनलाइट भी ऐड कर दी है ठीक है सो सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं है नाउ यू ऑल्सो हैव सनलाइट अब इसको मैं बारी बारी आपको बना के दिखाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए मैं यहां पे सबसे पहले सैंपल डेटा आपको दिखा देता हूं जिसपे हमने काम करना है टू वे अनोवा में और डेटा डॉट हेड कर लेते हैं इसे ले जनाब टू वे अनोवा तब होगा जब आपके पास दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं और एक आपके पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स है यानी कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक डिपेंडेंट वेरिएबल आप डिपेंडेंट वेरिएबल को मैयर करते हैं बेस्ड ऑन दीज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ठीक है सो हम क्या करेंगे सेम उसी तरीके से ओ के आगे हम क्या करेंगे ग्रोथ को ड्रॉ करेंगे फर्टिलाइजर प्लस सनलाइट प्लस फर्टिलाइजर कॉलन सनलाइट ठीक है मतलब यह कि अकेला फर्टिलाइजर भी अकेली सनलाइट भी प्लस इन दोनों का इंटरेक्शन भी ठीक है और सी हम क्यों लगा रहे हैं क्योंकि हम जब भी किसी चीज को कंबाइन करते हैं देन वी कैन सी से द इंटरेक्शन सो इसका मतलब यह है कि टिल्डा के बाद जितने भी पैरामीटर हैं ये दो और दो का इंटरेक्शन ठीक है दो सेपरेटली और दो इकट्ठे ठीक है फॉर एग्जाम्पल्स अकेला फर्टिलाइजर अकेली सनलाइट दोनों फर्टिलाइजर एंड सनलाइट ये हमने मॉडल बनाया सेम हमने लीनियर मॉडल बनाने के बाद अनोवा टेबल फिट किया प्रिंट किया अनोवा टेबल को और हमने पी वैल्यू प्रिंट कर ली जैसे हम इसे रन करते हैं नाउ यू विल सी कि आपके पास यहां पे फर्टिलाइजर है ये सनलाइट है मिसाल के तौर पे ये जो पी वैल्यू आ रही है इसका मतलब ये है कि आपका फर्टिलाइजर और सनलाइट में फर्क है ठीक है फिर अगर आप सनलाइट की देखते हैं तो इसका मतलब सनलाइट फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर प्लस सनलाइट में फर्क है लेकिन जैसे ही आप ये वाली वैल्यू देखते हैं ये वन के इक्वल है इसका मतलब जब फर्टिलाइजर और सनलाइट इकट्ठे हो जाएं तो कोई इतना फर्क नहीं आता बट स्टिल वी हैव थ्री फर्टिलाईज so, मतलब में, में फर्कलाइट की, की कौन सी टाइप है यहां पर अगर देखें हाई लो हाई लो इनमें फर्क है एफ वन एफ टू एफ थ्री में फर्क है लेकिन जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं उनमें कोई फर्क नहीं है बेस्ड ऑन वैल्यूज बट स्टिल डोंट वरी आप ये देखें कि जब आपके पास पी वैल्यू लेस देन पॉइंट जीरो फाइव किसी की भी आ गई ना इसने कहना है कि यह सभी के सभी मीन्स के अंदर फर्क है नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं सिंपल सो so, जैसे आप इसे रिजेक्ट करते हैं तो यह मैंने इन दोनों की इंटरप्रिटेशन लिखी है कि हम पी वैल्यूज पे देखते हैं पी वैल्यूज अगर कम आ जाए पॉइंट जीरो फाइव से तो हम कहते हैं कि जो मीन है उनके अंदर फर्क है मीन कौन सा हर फर्टिलाइजर का मीन हर सनलाइट का मीन उन आपस में फर्क है यानी कि लो का हाई से फर्क है एफ वन एफ टू एफ थ्री में फर्क है फर्क से मुराद के उनके डालने से कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है ठीक है अब आगे चलते हैं एन वे अनोवा एन वे अनोवा कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप याद हो तो तीन वेरिएबल करेंगे तो ये थ्री वेरिएबल अनोवा आ जाएगा यानी कि थ्री वे अनोवा फोर करेंगे फोर वे फाइव करेंगे फाइव वे तो मैंने यहां पर वाटरिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी सो हमारे पास एक वेरिएबल और आ गया सेम वही चीज हमने करनी है राइट right साइड पे वेरिएबल ऐड कर देना है और उनके इंटरेक्शन बना देने है ठीक है सेम वही चीज की है तो एन वे अनोवा हमारे पास आ गया अनोवा टेबल इसका भी बनाया ये हमारे पास इसका टेबल आ गया ये हमारे पास इसकी पी वैल्यू आ गई ठीक है सो पी वैल्यूज की बेस पे हम देख सकते हैं इसमें भी फर्क है और यहाँ पे फर्क आ रहा है बाकी किसी में नहीं आ रहा सो नाउ वी हैव एन आइडिया कि कहाँ पे फर्क है और यही चीज हमें बताएगी कि हमारे पास मीन्स इक्वल हैं कि नहीं फॉर एग्जाम्पल ये हमें बताता है कि नल हाइपोसिस को हम फेल टू रिजेक्ट करते हैं यहां पर मैंने लिखा है एक्सेप्ट नल हाइपोसिस आपने ऐसा नहीं लिखना हम यहां पर कहेंगे फेल टू रिजेक्ट नल हाईपोत्सिस ठीक है तो ये इस वजह से ताकि आपको पता चले हमने अब ये जो फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोसिस लिखा है इसकी बेस पे कि पी वैल्यू इज ग्रेटर देन पॉइंट जीरो फाइव सिर्फ इस वजह से अब हम देखते हैं कि ये जो सारी चीजें होगी वन वे अनोवा टू वे अनोवा थ्री वे अनोवा ये तो हमें पता चल गया इसके आगे हम क्या कर सकते हैं ठीक है इसके आगे हम किन चीजों को देख सकते हैं सी हमारे पास पोस्ट हॉक टेस्ट होते हैं. ये एक ऐसे टेस्ट होते हैं जो हमें फर्दर बताते हैं कि अगर एक वेरिएबल में फ़र्क है तो किन किन पॉइंट्स पे जाके फर्क है हमारा मेन इशू यही होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या ए और बी में फ़र्क है तो ए और बी का जो सेंट्रल टेंडेंसी है उनका फर्क देखा जाता है ठीक है और ये हमें टेस्ट बताता है दो में फ़र्क देना है तो टी टेस्ट अगर मैं कहूँ कि क्या तीन चीज़ों में फ़र्क है यानी कि ये तीन उंगलियाँ ठीक है इन तीनों में फर्क है तो इन तीनों के मीन्स हम देखेंगे और उसके लिए वन वे अनोवा लगेगा अगर मैं कहूं कि इन तीनों के मीन्स बेस्ड ऑन द लाइटिंग आप देखें तो लाइटिंग एक वेरिएबल एड हो गया तो ये फिर एक और वेरिएबल हम देखेंगे टू वे अनोवा फिर इसी तरीके से अगर आप आ, मेरी उंगलियों को हिलाने के बेस पे भी फर्क देखें तो इसकी बेस पे दो वेरिएबल ऐड हो गए एक लाइट और दूसरा इसकी मूवमेंट तो ये दो वेरिएबल ऐड होंगे तो टू वे अनोवा तीन वेरिएबल ऐड हो जाएंगे तीन थ्री वे अनोवा और इस तरीके से अब ये तो फर्क पता चल गया कि तीनों में फ़र्क है अनोवा से लेकिन ये कैसे पता लगाना है कि ये वाली उंगली इस उंगली से कितने फ़र्क में है यानी कि पेयर वाइज कंपेरिजन फिर ये वाली उंगली दूसरी उंगली से कितने फर्क में है फिर ये दोनों उंगलियां कितने फर्क में है सो नाउ आई हैव टू सी कि दो दो का फर्क कितना है यानी कि इसका इसके साथ कितना है इसका इसके साथ कितना है इसका इसके साथ कितना है इसका फिर इन दोनों के साथ कितना है और इन दोनों का इस अकेले के साथ कितना है तो ये फ़र्क ढूंढने के लिए हम लगाते हैं पोस्ट हॉक टेस्ट अब आपको वही एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ हमारे पास ये डेटा आ गया वही डेटा जो हमने पहले बनाया था फर्टिलाइज़र का अब आप देखें कि यहाँ पे हम टकी एच टेस्ट लगाएंगे उसके लिए हम मल्टी कॉम्प यानी कि स्टैट्स मॉडल से ये वाली लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करेंगे ठीक है और इस लाइब्रेरी के साथ हम नम को भी इम्पोर्ट कर लेते हैं एंड सिंपली ये वाला कमांड या फंक्शन उठा के टकी एच एच डी टेस्ट जो है हम इस पर अप्लाई कर देंगे जिसमें ग्रोथ होगी हमारे पास और हमारे पास यहाँ पे फर्टिलाइज़र आ जाएगा अल्फा हमारा यहाँ पे हम बता देंगे कि कितना अल्फा रखना है पॉइंट जीरो फाइव का मतलब है कि नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल तो हमने अल्फा यहाँ पे वैल्यू दे दी जैसे मैं प्रिंट करता हूँ टकी एच एच डी को जो मेन चीज़ आप देखेंगे हर एक का यानी एफ वन एफ़ टू से कितने फर्क में है उसकी पी वैल्यू आ गई सिर्फ पी वैल्यू नहीं आई मेन डिफरेंस भी आ गया कि दोनों के मेन में कितना डिफरेंस है लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल भी अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल भी और साथ में रिजेक्ट करना है कि नहीं नल हाइपोथेसिस को वो भी ठीक है अब यहां पे रिजेक्ट एच नॉट अगर आप करते हैं तो आपके पास पी वैल्यू की बेस पे एफ वन और एफ टू में फर्क है एफ वन एंड एफ थ्री में अगर फर्क है तो आपके पास पी वैल्यू यहां पे ट्रू होनी चाहिए क्योंकि ये फॉल्स है इसका मतलब एफ वन और एफ थ्री के बेस पे प्लांट ग्रोथ में कोई फर्क नहीं आया ठीक है फिर आप आगे देखते हैं कि एफ टू और एफ थ्री में फर्क है कि नहीं उसकी बेस पे आप जब दोबारा लगाते हैं अनोवा तो आप मतलब वही अनोवा जिसका पोस्ट हॉक टकी टेस्ट हमने किया है तो ये ट्रू जब बताएगा इसका मतलब है कि ट्रूली रिजेक्ट कर रहे हैं एच है है नॉट को इसका मतलब है इन दोनों में भी फर्क है और ये आपकी पी वैल्यू भी हैं तो आइदर आप पी वैल्यू आप पेयर वाइज कंपेरिजन की देख लें या सिर्फ ये वाली चीज देख लें इट वुड बी इनफ फॉर यू तो ये होता है जी टकी एच एस टेस्ट क्योंकि हमने एक ग्रुप पे लगाया था तो ये हमें एक ग्रुप का पता चला ग्रुप वन एंड ग्रुप टू तो, यानी कि एफ वन और एफ टू का अगर हम दो ग्रुप पे लगाते हैं यानी कि टू वे अनोवा हमने सिंपली यहीं पे प्लस डाल के दो ग्रुप ऐड कर दिए पेयर वाइज टकी एच डेटा हमारा ये भी है और ये भी आ गया प्लस डाला सनलाइट भी ऐड कर दी सो so, यहां पे क्या होगा अब हमारे पास F1 वन हाई एफ वन लो यानी कि दोनों ग्रुप का इंटरेक्शन हमारे पास आ रहा है और उसकी बेस पे हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों की तरफ किस तरीके से आपका जो आ, रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है सेफ फॉर एग्जाम्पल एफ फर्टिलाइजर की टाइप है और हाई आपके पास सनलाइट है उसका अगर कंपैरिजन करें F1 फर्टिलाइजर टाइप और लो सनलाइट तो क्या इनमें फर्क है यहां से पता चलता है कि नहीं फर्क क्यों क्योंकि फॉल्स आ रहा है अब इन दोनों ग्रुप्स में फर्क है यहां से पता चलता है कि है फर्क सो so ये ट्रू ट्रू जहां पे आ रहा है वहां वहां पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है जहां पर ट्रू नहीं होगा वहां पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है किन चीजों का डिफरेंस ये चीजों का यानी कि एफ एंड हाई एफ़ वन एंड लो इन दोनों का कोई फर्क यहां पे नहीं है यहां तक आपको समझ आ गई होगी ठीक है अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये सिर्फ हमें इंटरेक्शन बता रहा है तो इंटरेक्शन के बग़ैर अगर आपने सिंपली एक ग्रुप को F1 और F2 को ही कंपेयर करना है सो यू कैन रन दिस वन वे अनोवा ऑन द सेम डेटा यहां पे आप टू वे अनोवा कर सकते हैं फिर थ्री वे करना है तो आपके पास थ्री वे आ जाएगा जिसको हम फैक्टोरियल अनोवा भी बोलते हैं ठीक so, है सो सेम वही मेथोडोलॉजी है सिर्फ आपने प्लस का निशान डाल के यहां पे वो तीन तीसरा इंटरेक्शन ऐड करते जाना सिंपल तो ये आपके पास इंटरेक्शन तीसरा भी आ गया ठीक है so, सो इसलिए आप यहां पे जो है अपना पोस्ट हॉक टेस्ट लगा के डिफरेंस यहां पे चेक कर सकते हैं राइट अब यही चीज अगर आप इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन की बेस पे जाएं तो अल्फा लेवल आपका टिपिकली पॉइंट जीरो फाइव ही सेट होता है ठीक है ये नाइनटी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल को शो करता है टकी टेस्ट के अलावा आपके पास बॉनफेरोनी करेक्शन भी है आप इसको भी लगा सकते हैं सेम उसी तरीके से और आपके पास एक डिफरेंट किस्म के पोस्ट हॉक की टाइप्स मैंने बताई हैं टकी एच एस डी है, है बॉन्फेरोनी है आपके पास शेफिस टेस्ट है डोन्स टेस्ट है होम्स मैथड है फिशर एल एस डी है फिर आपके पास राइन ऑनट गैब्रियल वेल्श क्यू है जिसको हम रेज डब्ल्यू क्यू बोलते हैं न्यूमैन मैन क्यूल्स टेस्ट है और ये सारे टेस्ट जो हैं इनकी एजम्स है बट आई विल से अगर आपको सिर्फ टकी एच एच डी का भी समझ आ जाती है दैट इज़ मोर देन इनफ़ ये इनके आइडियल यूज केसेज और मैंने बाकी चीज़ें भी बता दी हैं इसी नोटबुक के एंड पे आप वो भी देख सकते हैं तो ये हमारे पास अनोवा की कुछ टाइप्स थी और अनोवा को किस तरीके से हम ऐड करते हैं वो हमने देखा होपफुल आपको इस नोटबुक जब आप इसको समझेंगे इसको पढ़ेंगे इस नोटबुक को जो मैंने ऑलरेडी आपको लिंक भी दे दिया हुआ है देन यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से अनोवा जो है हमारी हेल्प करता है अब इसके बाद हम देखने वाले हैं को रिलेशन और फिर को रिलेशन को देखने के बाद हम एक सैम्पल डेटा सेट लेंगे उस पर सारे के सारे टेस्ट दोबारा लगा के देखेंगे